श्रीवर्धन में जिस बोट पर 3 AK राइफल कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। ये टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। जो प्राथमिक हमारे पास जानकारी है वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ता। देखिए क्यों थे ये तो आज नहीं बताया जा सकेगा। अभी तो बोट किसकी है ये असर्टन हुआ है, कैसे बहते हुए आई है ये असर्टन हुआ है, अब बाकी चीज़ें भी तफ्तीश में असर्टन होगी। सर, ये नेपच्यून सिक्योरिटीज क्या कंपनी का नाम सामने आ रहा है, ओमान सिक्योरिटीज का नाम आ रहा है, दो अलग अलग कंपनियां हैं क्या, क्या रोल था? देखिए इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स आज हम बता नहीं पाएंगे। मैंने जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी आई थी वो इसलिए रखी है ताकि भय का वातावरण थोड़ा कम हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती है तो भय भी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने अभी प्राथमिक जानकारी आपके सामने रखी है। जिस प्राथमिक जानकारी में ये बहते हुए आई है, इसके मालिक भी असर्टन हुए हैं, उसको जिन्होंने रेस्क्यू किया है वो भी सारा असर्टन हुआ है, इसलिए मैंने प्राथमिक जानकारी दिया। अब इससे ज़्यादा जानकारी मैं आज नहीं दे पाऊँगा, वो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ जानकारी हमारे पास आई है, पूरी जानकारी आने के बाद वो भी आपको दी जाएगी।